क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट चीजें। हम डिस्कस कर रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम डिस्कस कर रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। हम डिस्कस कर रहे होंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस आज के इस बेहतरीन लेक्चर के बारे में, जिनमें अपन डिफरेंट डिफरेंट चीजें समझ रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमको ये देखना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, और ऐप डाउनलोड नहीं किया करेंगे तो क्या होगा, आपको एनोटेड पीपीटी नहीं मिलेगी, आपको डीपीपी नहीं मिलेगी। और अगर आपको डीपीपी चाहिए तो आपको ऐप पर आना पड़ेगा। और बेसिकली आपको देखो फायदा ही है, फायदे की बात है, कोई कॉस्ट आपको लग नहीं रहा। ठीक है, आप बैच को एनरोल करोगे तो उसका कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा, कॉस्ट बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे। सारी चीज़ें आपको फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, आपको जियोलॉजी मिलेगी, बॉटनी मिलेगी, ठीक, बायोलॉजी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि आपको जीरो कॉस्ट पे अगर नीट की प्रिपरेशन अगर कोई करा रहा है तो करिए। ठीक है, हमारा विजन यही है कि आपको जितना फायदा हम कर सकते हैं हमारी तरफ से, हमारा जो गरीब घर का बच्चा है वो डॉक्टर बने, हमारा ये विजन है। ठीक है, तो बस आपको करना कैसे है, आपको यहाँ पर ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर नाम की चीज़ आपने जरूर सुनी होगी, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करोगे। और डाउनलोड करने के बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में कुछ जनरल डिटेल्स हैं जो आपको यहां पर फिल करनी होंगी, इनको आप फिल कर दीजिए। और फिल करने के बाद में आपको डेफिनेटली यहां पर ओटीपी आएगा। ओटीपी किसी को बताना नहीं है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस ये कहते ही ओटीपी किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। यहां पर चुपचाप डाल देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर आके कोर्स के लिए एनरोल करना है। कोर्स के लिए एनरोल कैसे करोगे, यहां पर जो कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम ऑप्शन है इसको टिक करना, नेक्स्ट दबाना। फिर आपको यहां पर कुछ ये डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड में आप हो 12th क्लास के अंदर, क्यों, क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसका मतलब 12th क्लास के अंदर हो या फिर आप ड्रॉपर में हो। तो आपको अगर 12th क्लास में अगर हो तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है। आप इसको टिक करोगे सबसे पहले, इसको जैसे ही टैप करोगे तो यहां पर नीट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। फिर नेक्स्ट दबाओगे, नेक्स्ट को दबाने के बाद में आपको यहां पर 12th क्लास टिक कर लेना है। फिर आपको यहां पर फिजिक्स दिखेगी, बायोलॉजी दिखेगी और केमिस्ट्री दिखेगी। अब मान लीजिए अगर आपको केमिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला ऑप्शन आपने दबाया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे ही टैप करोगे, मान लीजिए आपने फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खोला, ठीक है, तो आपने लेक्चर देख लिया, हो सकता है आपने YouTube पे देख लिया, लेक्चर हमारे YouTube पे भी अवेलेबल है, साथ-साथ में ऐप पर अवेलेबल है। तो मान लीजिए आपने लेक्चर YouTube पे देख लिया, अब आपको नोट्स बनाने हैं, आपको एनोटेटेड पीपीटी चाहिए, ठीक है, आपको डीपीपी चाहिए, तो वो कहां मिलेगी, या आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खोला तो डाउनलोड मटेरियल करके एक चीज देखेगी आपको, क्या देखेगी, डाउनलोड मटेरियल। उस डाउनलोड मटेरियल के अंदर आप जैसे देखोगे तो दो चीजें आपको दिखेंगी, एक तो है हमारा एनोटेड पीपीटी और दूसरा है डीपीपी। डीपीपी दिखेगी और आप एक एनोटेड पीपीटी देखेगी, तो उन चीजों को आप डाउनलोड करिए और आपको क्वेश्चन लगाने। अब हो सकता है आपको डाउट आता है किसमें, डीपीपी के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, डाउट आना अच्छी बात है। डाउट आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब बहुत कोई खता हो गई, कोई गलत चीज हो गई, नहीं, डाउट आता है इसका मतलब हम चीजें समझ रहे हैं, क्योंकि समझते हैं तभी तो चीज डाउट आती है ना। तो डाउट आया, डाउट आने के बाद में आपको यहां पर इस वाले ऑप्शन में जाना है। जो भी डाउट आता है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर आपने डीपीपी लगाई, मतलब उसमें एक डाउट आ गया, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपने क्लिक किया, यहां पर आगे पेस्ट कर दोगे तो हमारी जो टीम है जल्द से जल्द आपका डाउट क्लियर करेगी, ठीक है। तो अब आते हैं हम जहां पर थे, हम यहां पर थे बेसिकली, हमको पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप सभी को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, सभी को पता है। बेसिकली हम यहां पर डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब पहला डिफरेंस तो ये है कि यहां पर भाई साहब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके अंदर रिएक्शन सिंगल मतलब सिंगल बीकर के अंदर होती है, सिंगल कंटेनर के अंदर होती है, सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर होती है। लेकिन अगर बात की जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एनोड जो इलेक्ट्रोड है वो अलग कंटेनर के अंदर होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड अलग कंटेनर के अंदर होता है। फिर यहां पर अपन बात कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुछ डिफरेंसेज हैं, लेकिन मेन डिफरेंसेज अगर जैसे और भी डिफरेंसेज अगर देखना चाहो, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है। यहां पर अपन बात करें कि एनोड के अंदर जिस चीज का एनोड होगा उसी का कुछ सॉल्ट होगा, ठीक है। ऐसे अपन बात करें कि जिस चीज का कैथोड होगा उसी का अपना कुछ क्या होगा, सॉल्ट होगा। जैसे अपन ZnSO4 की बात करते हैं जिंक के लिए, ऐसे ही CO की बात करते हैं, CuSO4 होता है, ठीक है। तो एक कुछ बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक डिफरेंस, जहां से पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो आपको पता है, इधर मैं लिख लेता हूं गैल्वेनिक सेल,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ही बात है, इधर मैं लिख रहा हूँ गैल्वेनिक सेल और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ही बात है, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल एक ही बात है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने उधर लिख दिया इधर, ठीक है। अब सबसे पहली कहानी ये होती है कि यहाँ पर इनका काम क्या होता है। आप सभी को पता है जो गैल्वेनिक सेल है वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ये पता है आपको। अरे हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम यहाँ पर कुछ केमिकल्स यूज करते हैं और उन केमिकल को यूज करके हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यही हुआ था। लेकिन अगर यहां बात करी जाए तो यहां पर उल्टा होता है, यहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, हम केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। ये कहानी होती है, कुछ केमिकल एनर्जी में बदल रहे होते हैं, किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ठीक है, ये कहानी होती है। तो बेसिक डिफरेंस ये है। अब यहां पर जैसे दूसरा डिफरेंस की बात करें, प्रोसेस, आपको पता है इसमें जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके की होती है गैल्वेनिक सेल के अंदर, मैंने आपको बताया हुआ है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब इसके साथ में दो कहानी और आती है, डेल्टा जी और डेल्टा एस। यानी मैं क्या कह सकता हूं, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके लिए जो डेल्टा जी है, डेल्टा एस इधर लिखते हैं, डेल्टा जी इधर लिखते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जो एस है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है, वो पॉजिटिव में आता है, एंट्रोपी बढ़ती रहती है, ठीक है। अगर मैं कहूं डेल्टा जी के बारे में, तो डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी इज नेगेटिव। ये चीज समझ में आई। अब चलते हैं दूसरी तरफ, यहां पर जरा प्रोसेस की बात करते हैं, तो आपको पता है यहां पर होती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब आपके दिमाग में यह चीज आ सकती है कि सर यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों होती है। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनाओगे आप, इधर बना लेते हैं, चलिए एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, दोनों को बैटरीज कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरीज कनेक्ट कर दिया, ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो ये कुछ इस तरीके से कहानी होती है। लेकिन अगर गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो कंटेनर आपको चाहिए, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, ठीक है, दोनों को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, वोल्टमीटर से कनेक्ट किया, मीटर से कनेक्ट किया, ठीक है, ए इधर सी, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो ये हमारा होता है नेगेटिवली चार्ज, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, यहां पर एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, यहां पर कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, ये चीज है। और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर एक सॉल्ट होता है, अगर मैं कहता हूं ये जिंक है, तो यहां पर ये ZnSO4 होगा, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है। अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कि अगर ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो इसके अंदर सॉल्यूशन किस चीज का होगा, CuSO4 का होगा ना, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी। अब क्या होता है, मैंने आपको कहानी बताई थी किस चीज की, कि हम यहां पर साल्ट ब्रिज क्यों यूज करते हैं, पता आपको साल्ट ब्रिज में क्या होता है, KCl, NH4Cl, AgNO3, इस तरीके के, अगर जेल सैचुरेटेड हम इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं यहां पर, ठीक है, ये कुछ कहानी होती है। अब देखो यहां पर अगर प्रोसेस की बात करी जाए, तो यहां पर क्या है, हम बेसिकली जो सेल है उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं। देखो अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी के अंदर, तो कैसे होगा, वहां पर आपको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है। यहां पर जो सेल होता है दैट इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई यहां पर जो प्रोसेस होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। इसका मतलब यहां पर साथ ही साथ में दो चीजें और आ जाएंगी, कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक तो है हमारा डेल्टा जी और डेल्टा एस। डेल्टा जी यहां पर क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस नेगेटिव होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है, हम लगे हाथ यहीं पे एक चीज और बात कर लेते हैं कि देखो एक रिलेशन होता है किसके बीच में, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE, ये चीज मैंने आपको काफी बार बताई है। अगर ए हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव के अंदर आएगा, वो किसकी कहानी हुई, डेल्टा जी नेगेटिव कहां पर है, या फिर उल्टा भी अप्रोच रख सकते हैं कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है इसका मतलब ई सेल कैसा होगा, पॉजिटिव में आएगा। अरे देखो अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, तभी तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर ऐसे समझ लो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। अब दोनों चीजों में देख लो कि कहां पर नेगेटिव है कहां पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग ई सेल हो जाएगा। तो अगर यहां पर नेगेटिव है तो मैंने क्या बोला, यहां पर ये पॉजिटिव होगा, मतलब मैं ये कह सकता हूं तीसरी चीज कि जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी तो बता दिया, ई सेल जो है वो हमारा गैल्वेनिक सेल के लिए कैसा होता है, दैट इज पॉजिटिव। यार
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए मैं जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपके दिमाग में आए तो तीन चीजें आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए, डेल्टा जी, डेल्टा एस और ई सेल। डेल्टा जी, या पहला आप डेल्टा एस की बात कर सकते हो, जैसे अभी बात करनी है आपको, डेल्टा एस कैसा होगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होती है, और वहां पर हमारा जो ई सेल होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैंने बताया ई सेल नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात चल रही है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और यहां पर गैल्वेनिक सेल के, दैट इज रेस्पेक्ट टू किसके, एनोड और कैथोड पे जो चार्ज है। यहां पर जो एनोड होता है वो कैसा चार्ज होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, यहां पर कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन अगर आप यहां पर बात करते हो तो एनोड और कैथोड पर चार्ज कुछ इस तरीके के होते हैं, किस तरीके के, यहां पर एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, यहां पर नेगेटिवली चार्ज है, इधर की साइड यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है, देख सकते हो यहां पर नेगेटिवली चार्ज है, यहां पर कैथोड नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव होगा, ये चीज है। तो जब भी आपसे ये कहा जाए, आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है कि ये बताइए एनोड पर कैसा चार्ज होता है, फंस मत जाना, एनोड पर चार्ज ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। उसको बोलना पड़ेगा कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इन गैल्वेनिक सेल व्हाट इज द चार्ज ऑन एनोड। तो यानी सबसे पहले आपको ये पूछना है किस सेल की बात कर रहे हो भाई, बता तो दूं, लेकिन पहले ये तो बताओ एनोड की बात कर रहे हो आप, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हो या फिर गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हो, तभी आप एनोड और कैथोड की बात कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि भाई एनोड पे क्या चार्ज होता है और आप भी भाई साहब बताने लग गए पॉजिटिव होता है। अरे भाई साहब वो ठीक है लेकिन किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए? तो इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए पूछेगा तब एनोड पे पॉजिटिव ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए पूछ लिया तब आपको बोलना है नेगेटिव चार्ज। सेम विद कैथोड, कैथोड के लिए बोलता है कि कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो आपको बोलना है नेगेटिव। और अगर आपसे ये पूछता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल के अंदर कैथोड पर क्या चार्ज होता है, तो आपको बोलना पॉजिटिव। इस तरह की चीज अपन कर सकते हैं। तो ये चीज हमको समझ में आई या नहीं आई, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक अपन को समझ में आ गई होंगी। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं अलग टॉपिक की तरफ जहां पर अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो आपको समझनी है, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें मैंने आपको काफी बार लेक्चर के अंदर बताया हुआ है, जब जब मैंने पर्टिकुलर चीजों के बारे में बताया था तब ये सारी चीजें बता दी थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से परिचित हैं, पहली बार नहीं आई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पाला आपका जरूर पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है, आपने कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ी होंगी, आपने जरूर 11th क्लास के अंदर पढ़ी होगी। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, देखो अब थोड़ा सा मुझे आपको जो पिछला लेक्चर है उसके बारे में बताना पड़ेगा। मैंने जब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताए थे तो वहां पर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो होता है रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली द टेंडेंसी टू रिड्यूस, मतलब जिस स्पीसीज की टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा होती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में कि जिस स्पीसीज की ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये चीज होती है। वाइस वर्सा भी आप लेके चल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, हम जो स्पीसीज हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर उनको बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मैंने क्या बोला, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर हम स्पीसीज को ऊपर से नीचे लेके, मतलब ऊपर नीचे चलते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता हुआ जाता है, उससे हमको एक सीरीज मिलती है, that is known as the electrochemical series। अब इसकी जरूरत क्या है, बहुत काम की सीरीज है, इससे आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो। जैसे एक एग्जांपल आपने जरूर पढ़ा होगा कि देखो अगर मैं एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लूं और उसके अंदर जिंक की रॉड क्या कर देता हूं, डिप कर देता हूं, तो आप हमेशा यही कहते हो क्या कि CuSO4 जब जिंक के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो क्या करेगा, यहां पर से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और ZnSO4 बना देगा और यहां पर कॉपर रिप्लेस हो जाएगा। ये रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये, इसके पीछे कहानी जो है, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो कहीं ना कहीं यहीं से उसका आंसर मिलेगा आपको।
अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है जरा उसके बारे में जानते हैं। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं कि मैंने हमेशा कहा है कि जैसे अपने पास में दो चीजें थी, जिंक और कॉपर। आपको कैसे पता चला यार जिंक हमेशा, जब दोनों का कॉम्बिनेशन एक को मैंने मतलब जब गैल्वेनिक सेल को बना रहा हूं तो वहां पर एक तरफ मैंने जिंक को लगा दिया, दूसरी तरफ कॉपर को लगा दिया, ऐसा क्या हुआ जिंक के अंदर ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से वो एनोड बना और ये कैथोड बना। इसका भी आंसर कहां से मिलता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब, जिनका आंसर कौन देता है? हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने क्या बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेसिकली अ सीरीज जिसमें हम वी अरेंज द स्पीसीज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन ई नॉट रिडक्शन के बेस पर अपन अरेंज करते हैं और उस सीरीज को देन सीरीज इज ऑब्टेन विच इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको जरा हम डिकोड करते हैं एक चीज को और समझते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहली चीज ये है, ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ई नोट रिडक्शन बढ़ रहा है। यहां पर आपके सामने कुछ डेटा है, देखो यहां पर क्या है, अपन बात करते हैं कि देखो ई नोट रिडक्शन की जब बात करते हैं यहां पर, तो अब देखो इसको जरा ऐसे करो यार, ई नोट रिडक्शन बेसिकली यहां पर अपन ने क्या किया, उल्टा ऑर्डर अरेंज कर दिया, ई नोट ऑक्सीडेशन के बेस पर अरेंज कर दिया। बट जनरली जो अपन पढ़ते हैं, मैंने इमेज थोड़ा गलत लगा दिया, बट जनरली अपन बात करते हैं तो जनरली क्या होता है, ई नोट रिडक्शन की बात चलती है, जो फेवर अपन करते हैं दैट इज ई नोट रिडक्शन, जैसे स्टैंडर्ड होता है ना कुछ, तो ई नोट रिडक्शन को यूज करते हैं। इसको जरा ऐसे समझो, अपन क्या करेंगे यहां पर, मैं दोबारा से लिख देता हूं इस चीज को, उसको मत देखो, इसको देखो, Li, फिर है अपना Mg, फिर है अपना Al, फिर है हमारा जिंक। इसको जरा छोटा करते हैं, एक मिनट, ठीक है, ये तो चीज अपन ने समझ ली, ई नोट रिडक्शन के बेस पर अरेंज कर रहे हैं, तो यहां पर जरा समझो, कोई घबराने की बात नहीं, सिंपल चीज है। देखो अपन क्या करें, यहां पर Li, Mg, Al, फिर क्या अपने पास में जिंक है, फिर आयरन है, फिर अपने पास में क्या है, पीवी है, उसके बाद अपने पास में क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद में क्या है, कॉपर है, फिर अपना आयरन है, फिर अपने पास में क्या है, एजी है, फिर अपने पास में क्या है, O2 है, फिर अपने पास में Cl2 है, फिर अपना यहां पर F2 है, इस तरीके से, ठीक है। अब ऊपर से जब चलता हूं तो वहां पर क्या होता है, E नॉट जो रिडक्शन है वो मेरा बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको इतनी तो पता होगी बेसिक जो बात थी, जब अपन बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में एक आता है जिंक और एक आता है कॉपर। जिंक के लिए E नॉट रिडक्शन की जो वैल्यू थी 0.-0.76 वोल्ट थी, और इसके लिए थी प्लस का 0.34 वोल्ट। ये कहानी आपको पता है, जिंक के लिए इनोट रिडक्शन इतना था और कॉपर के लिए इतना था। तो अगर इन दोनों का एग्जांपल लें, ऊपर से नीचे चलते हैं तो यहां पर वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती हुई जाती है। और इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे चलने पर हमारा रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ती हो जाती है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। और रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर होता है। अगर मैं कहता हूं कि ऊपर नीचे चलने पर रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ती हुई जा रही है, इसका यह मतलब है क्या कि जो स्पीसीज नीचे प्रेजेंट होगी वो कैथोड की तरह काम करेगी और ऊपर वाली स्पीसीज एनोड की तरह काम करेगी। यही होता है, तभी तो हमारा जो जिंक है वो कहीं ना कहीं किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है, और जो कॉपर है वो हमारा कैथोड की तरह काम करता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो ई रिडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ई नोट रिडक्शन अगर बढ़ता है, ई नोट रिडक्शन बढ़ता है, इसका मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म कैथोड इज इंक्रीजेस।
ये चीज हो गई, ये कहानी है। ऐसे अगर मैं एक और अप्रोच यहां पर लेके आता हूं, अगर देखो इनोट्रोडक्शन बढ़ा तो टेंडेंसी टू फॉर्म कैथोड बढ़ जाएगी, उल्टा देखो इनोट्रोडक्शन अगर डिक्रीज होता है, मतलब मैं ऐसे चलता हूं नीचे से ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनोट्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे यहां पर समझो इनोट्रोडक्शन बढ़ेगा, इनोट्रोडक्शन नीचे से ऊपर चला इसका मतलब घटेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो नीचे से आप ऊपर की तरफ चल रहे हो, देखो F2 से, मतलब F2 से नीचे की तरफ अगर आओगे, अरे समझो उसको जरा नेग्लेक्ट ही कर दो, इसको नेग्लेक्ट करते हैं इधर देख, ठीक है। तो यहां पर देखो ऊपर नहीं चला, इनोड रिडक्शन बढ़ रहा है, देखो ये लिखा हुआ मैंने। अब ऐसे समझो मैं यहां से यहां की तरफ चलता, बॉटम से अप की तरफ चलता, तब क्या होता, इनोड रिडक्शन घटेगा। अगर मैं ऐसे चलता हूं तो इनोड रिडक्शन कहीं ना कहीं क्या होगा, घटेगा। इनोड रिडक्शन क्या होगा, घटेगा। और अगर इनोड रिडक्शन घटेगा इसका मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म एनोड वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तभी तो क्या होता है, जो जिंक क्या है ऊपर है, इनोड रिडक्शन उसका कम है, -0.76 और माइनस की वैल्यू कहीं नहीं कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो एनोड की तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम, ये चीज समझ में आई। तो बहुत सारे कुछ यूज होते हैं इसके। सबसे पहला यूज है ऑन द बेस ऑफ द इनोड रिडक्शन, ऑन द बेस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यू कैन डिसाइड दैट व्हाट स्पीसीज विल बी एनोड, व्हाट स्पीसीज विल बी कैथोड, ये चीज समझ में आई। दूसरी इसका जो काम होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर को आप डिसाइड कर सकते हो इसके बेस पर। इसमें क्या होता है, अगर मैं ये कहूं E नॉट रिडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, आपका इसमें क्या विचार होगा, आप इसे डिफर करना चाहोगे या एग्री करोगे। ज्यादातर बच्चों का मन करेगा सर रिड्यूसिंग पावर होना चाहिए था, रिड्यूसिंग पावर बढ़नी चाहिए थी ना अगर इनोड रिडक्शन बढ़ेगा। अरे भाई साहब इनोड रिडक्शन का मतलब क्या है, अगर इनोड रिडक्शन किसी स्पीसीज का ज्यादा होगा, अगर मेरा रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब मैं दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, मतलब मैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। इसका मतलब अगर मेरा E नॉट रिडक्शन ज्यादा है, मेरे रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब दूसरे को मैं जल्दी ऑक्सीडाइज कर पाऊंगा। अरे मैं खुद जल्दी रिड्यूस हो रहा हूं, इसका मतलब दूसरे को जल्दी ऑक्सीडाइजिंग कर पाऊंगा, इसका मतलब उस मेरा ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। उल्टा क्या बोल सकते हो, उल्टा ये कह सकते हो क्या, अगर E नॉट रिडक्शन यहां पर रिड्यूसिंग पावर की क्या हो जाता है, डायरेक्टली ऑक्सीडाइजिंग पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और अपने पास में रिड्यूसिंग पावर के इनवर्सली, क्या बोल दिया मैंने भाई, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर कोई भी स्पीसीज, मान लीजिए मैं एक स्पीसीज हूँ, अगर मैं जल्दी रिड्यूस होता हूँ इसका मतलब दूसरे स्पीसीज का जल्दी ऑक्सीडेशन कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है, जल्दी ऑक्सीडेशन कर पाऊंगा, मतलब इसका मतलब मेरा ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ऑक्सीडाइजिंग पावर की। सारी चीजें मैं आपको एक करके नोट कराऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, डिकोड करना सिखा रहा हूँ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, ये चीज समझ में आई। अब एक चीज और है, जैसे अगर मैं एग्जांपल कहूँ आपसे, मेरे पास में जिंक है और मेरे पास में कॉपर है, बताइए यहाँ पर किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, बताओ किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज कर पाएगा, तो आपको इनोड रिडक्शन के पास में जाना पड़ेगा। इनोड रिडक्शन क्या कहता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो जल्दी ऑक्सीडाइज कर पाएगा, इसका मतलब जल्दी कौन कर पाएगा, कॉपर कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए 0.34 वोल्ट है, किसकी वैल्यू, इनोड रिडक्शन की। समझ में आया, ऐसे आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब एक जो बेसिक स्पीसीज होती है कि यहां पर क्या होता है, ऊपर चलते हैं तो रिएक्टिविटी जो है, अगर मैं ऊपर से नीचे चलता हूं तो होता क्या है, रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तभी तो क्या होता है, जिंक, अगर मैं ऐसा करूं, जिंक के यहाँ पर जिंक को, जिंक की जो रॉड है वो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में रख दी बेसिकली, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने जिंक का वेसल बना दिया, तो रिजल्टेंट क्या करेगा, इसके हाथ में रिप्लेस कर देगा कॉपर को। लेकिन अगर मैं ऐसा सिनेरियो सोचूं कि मेरे पास में क्या है, कॉपर का वेसल है, कॉपर का बर्तन है, जिसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ, क्या लगता है क्या यहाँ पर होगा, क्या कॉपर जिंक को रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाता है।
नहीं कर पाता है। मतलब कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रख सकते हो, लेकिन जिंक सल्फेट जो कॉपर सल्फेट है वो जिंक के बर्तन में नहीं रखा जाता। इसके पीछे भी कहानी किसकी होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की होती है। अब इसको ऐसे समझो, अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेटल जो होती है वो क्या चाहती है, वो ऑक्सीडेशन करना चाहती है, ऑक्सीडेशन करना चाहती है। तो अगर वो ऑक्सीडेशन करना चाहती है तो रिजल्टेंट आप अगर ऊपर नीचे चलने की बात करो तो यहां पर क्या होता है, कैथोड की तरह काम करना पड़ रहा है। कैथोड की तरह काम करना मतलब रिडक्शन करना पड़ रहा है। क्या मेटल रिडक्शन करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी। वो क्या करना चाहेगी? ऑक्सीडेशन करना चाहेगी। तो ऊपर नीचे चलने पर तो क्या हो रहा है, यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या हुआ है, मेटल ने ऑक्सीडेशन करा है। किसके बेसिस पर? इनोड रिडक्शन के बेसिस पर। अब ऊपर नीचे चलने पर क्या होता है, मेटल की टेंडेंसी घट रही कहीं ना कहीं। तो ऊपर नीचे चलने पर जितने भी ऊपर जितने से अब जितने भी मेटल देखो तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ है। यहां पर देखो गैसेज आ चुकी हैं, यहां पर क्या है, गैसेज आ चुकी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, यहां पर ऊपर नीचे चलने पर रिएक्टिविटी घटती है। और अगर बात करें हाइड्रोजन की, ये आगे जाके अपन समझेंगे कॉन्सेप्ट, दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। किसकी बात करेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। आप एक बेसिक आइडिया रख सकते हो कि हाइड्रोजन के ऊपर की जो स्पीसीज हैं, जितनी भी स्पीसीज ऊपर हैं, वो जनरली एनोड की तरह काम करती है और नीचे वाली स्पीसीज जनरली कैथोड की तरह काम करती है। लेकिन कॉम्बिनेशन हो सकता है कि अगर मैं आयरन और एजी का कॉम्बिनेशन बनाऊं, ये दोनों नीचे हैं कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से, तो यहां पर ऑन द बेस ऑफ द इनोड रिडक्शन, अगर मैं ये कहूं मेरे पास में कोई स्पीसीज है, एक आयरन है, एक कॉपर, एक अपने पास में एजी है, एक सिल्वर है, एक आयरन है, आपको क्या लगता है यहां पर एनोड कौन होगा, यहां पर कैथोड कौन होगा? तो बताइए कौन होगा, एक मिनट का पॉज ले लो भाई, या 30 सेकंड का, क्या लगता है? आयरन है, सिल्वर है। अब एनोड और कैथोड के डिसाइड करने के लिए, डिटर्मिनेशन करने के लिए आपको जाना पड़ता है किसकी तरफ, आपको जाना पड़ता है इनोड रिडक्शन की तरफ। मैंने क्या बोला, अगर इनोड रिडक्शन बढ़ेगा टेंडेंसी टू फॉर्म कैथोड बढ़ेगी। तो यहां पर देखो जो स्पीसी नीचे है, कंफ्यूजन अगर होता है इतना सा याद रख लो, कौन सी स्पीसी नीचे है कौन सी ऊपर है। तो आयरन ऊपर आ रहा है, एजी नीचे आ रहा है, एजी अगर नीचे है तो ये एज अ कैथोड काम कर जाएगा और ये एज अ एनोड काम कर जाएगा। समझ में आया क्या हमको, क्या ये चीज हमको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, सबसे पहला एप्लीकेशन है कि इससे आप एनोड और कैथोड का डिटरमिनेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एनोड एंड कैथोड का डिटरमिनेशन कर सकते हैं आप। दूसरी चीज क्या कर सकते हो आप इससे, आप इससे यह पता कर सकते हो ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर। एक बार मैं लिख देता हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर कैसे अपन रिलेट करते हैं। तो पूरी की पूरी जो कहानी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वो इनोड रिडक्शन पे होती है। तो अगर इनोड जो रिडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। लगते दोनों सेम है कि इनोड रिडक्शन और रिड्यूसिंग पावर तो एक जैसी चीज है, एक जैसी नहीं है, दूसरे को रिड्यूस करने की बात चल रही है यहां पर, और यहां पर दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग करने की पावर चल रही है। तो खुद अगर रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग कर पाऊंगा। तो इनोड रिडक्शन अगर ज्यादा, इसका मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन जल्दी कर पाएगा। और क्या काम है? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बारे में आप क्या कहोगे, क्या विचार हैं आप सभी के रिएक्टिविटी के बारे में? आपके सिंपल विचार इतने से होंगे, नेक विचार होने चाहिए, कुछ उल्टे सीधे विचार नहीं रखने हैं। किसके बारे में? रिएक्टिविटी के बारे में, कि कोई स्पीसीज दिखी और उसके साथ में रिएक्टिव हो गए, नहीं ये नहीं करना है आपको। ऐसा काम नहीं करते अपन यार, ऐसे काम अच्छे शोभा देते हैं क्या आप सभी को? नहीं देते। तो इनोड रिडक्शन जो है वो रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बता मत देना किसी को, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। समझ में? तो ये कुछ एप्लीकेशन है, यहां पर आपको क्या लिख देना है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये चीज हमको समझ में आई क्या, बताइए जरा, समझ में आ गई होगी आई थिंक। बहुत बेसिक बेसिक सी कहानी है। अब देखो आगे चलते हैं, तो ये चीज है। अब चलते हैं अपन किसकी तरफ, यहां पर नष्ट इक्वेशन के बारे में। नष्ट इक्वेशन क्या है? नष्ट इक्वेशन जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए उसके कंसेप्ट, ऐसे ही है हमारी नष्ट इक्वेशन।
होती क्या है नष्ट इक्वेशन? नष्ट इक्वेशन यार ऐसी इक्वेशन है जिससे आप बहुत सारे जो सेल्स की बात करें, बहुत सारे जो जैसे गैल्वेनिक सेल जितने होते हैं उनमें आपको ई सेल अगर कैलकुलेट करना, जैसे अगर मैं आयरन है मेरे पास में, अगर मेरे पास में ए जी है, दोनों को मैं जोड़ दूं और वहां पर एक एनोड होगा, वहां पर एक कैथोड होगा, दोनों को जोड़ने के बाद में आपको पता है, आपको सिंगल सिंगल चीजें पता है कि यार आयरन के का जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इतनी है और एजी के लिए इतनी है। मुझे बताओ ई सेल कितना होगा अगर मैं दोनों को जोड़ दूं? पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? इससे पता चलेगा। किससे पता चलेगा? नष्ट इक्वेशन से पता चलेगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यार मैं भी जिनमें शामिल हूं कहीं ना कहीं, मैं भी केमिस्ट्री का एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा हूं जो केमिस्ट्री को विजन मतलब सोचना चाहता है, केमिस्ट्री को देखना चाहता है। तो अब यहां पर क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है नष्ट इक्वेशन के अंदर। हम इसको बहुत सारे नष्ट इक्वेशन बोलते हैं, कुछ नष्ट इक्वेशन मेरी तरह जिनका इंग्लिश में थोड़ा हाथ मजबूत नहीं है, तंग तो नहीं कहूंगा, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है पर बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, मतलब मेरे बात कर सकते थे ना। तो नष्ट इक्वेशन बोलना है, नष्ट इक्वेशन बोलना, हमको केमिस्ट्री पढ़नी है, इंग्लिश नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो अब इसको डिराइव करने की बात करें, डेरिवेशन की अगर बात करी जाए तो डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो डेरिवेशन जरा देखो यार, एक कमाल की बात बता रहा हूं, किसी को बता मत देना क्योंकि आपको पता है ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यू के बराबर होता है, ये रिलेशन है। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आया। अरे मैं ऐसे कह रहा हूँ यार, तुम मतलब समझते नहीं हो। अपन के पास में गैल्वेनिक सेल था, कौन सा वाला था? जेड एन सी यू वाला था। तो अगर मैं ऐसा कहूं जेड एन में ओवरऑल, वो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई थी यार? जेड एन जो था वो जेड एन टू प्लस में कन्वर्ट हुआ था और वहां पर दो इलेक्ट्रॉन निकले थे, हाँ ऐसा ही हुआ था सर। और अगर मैं कहूं कॉपर टू प्लस कन्वर्ट हुआ था कॉपर के अंदर और यहां पर कॉपर कॉपर बन गया था और यहां पर ए क्यू है, यहां पर क्या है? ए क्यू, ठीक है। ये कुछ सिंपल सी कहानी थी। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, ये क्या है मेरी? एनोड हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आप कह सकते हो, ये क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ओवरऑल लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल जो रिएक्शन है जेड एन प्लस सी यू टू प्लस कन्वर्ट होके क्या बना रहा है? जेड एन टू प्लस प्लस सी यू, और यहां पर इसमें ए क्यू लिख दो, यहां पर ए क्यू लिख दो, ए क्यू मतलब एक्वस सॉल्यूशन की बात चलिए ना, यहां पर सर पर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है जिंक कहीं ना कहीं। तो ये कहानी होती है। अब होगा क्या, यहां पर जो Q है, Q कैसे निकालना है? Q सिंपली ऐसे निकालना है, रिएक्शन कॉन्सेंट होता है या के इक्विलिब्रियम भी जनरली इसको बोल दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हो? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दोनों को मिला देते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या बन गया? के इक्विलिब्रियम, आसान है। तो वही काम यहां पर करना है। प्रोडक्ट कौन है? ये रे मेरे प्रोडक्ट, ये कौन है मेरा? ये रिएक्टेंट है। तो यहां पर क्या करना है, जेड एन टू प्लस प्लस और जेड एन टू प्लस कंसंट्रेशन CU की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई यहां पर Zn की कंसंट्रेशन और यहां पर CU2+ की कंसंट्रेशन। तो ये कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब हमको तो बात करनी है क्या सिंपली केवल एक यही रिएक्शन आई है एग्जाम के अंदर? नहीं, कोई भी रिएक्शन आ सकती है एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर तो कोई भी रिएक्शन आ सकती है, अब उसको कैसे समझो? तो यार ऐसा करते हैं, यहां पर हम एक स्केलेटल ले लेते हैं। क्या कर देते हैं? एक स्केलेटल ले लेते हैं। स्केलेटल क्या रखे अपन? स्केलेटल ले लेते हैं और स्केलेटल में क्या करना पड़ेगा अपन को? स्केलेटल में ले रहा हूं यहां पर नैपिस ले लेते हैं। स्केलेटल मैंने ले लिया यहां पर, ए ए प्लस बी बी कन्वर्ट होती है सी सी में और डी डी। यहां पर जो स्मॉल जो चीजें लिखी हुई, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। तो अगर मैं इसका क्यू निकालने की बात करूं तो कैसे निकालोगे? बोल गए क्या? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां पर क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ सी टू दी पावर सी
डी टू दी पावर डी इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, होगा आपने। जब अपन कंसंट्रेशन को लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, तो वहां पर या रेट लॉ लिखा जाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा जाता है, तो वहां पर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर के रूप में जाते हैं। किसके रूप में जाते हैं? पावर के रूप में जाते हैं। समझ में आया? कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर बी, ये चीज होती है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसको जरा साइड में लिख लेते हैं, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब क्या करते हैं, हमको ये भी पता है, अरे दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पता है, कुछ ऐसी ऐसी बातें पता है बताने में शर्म आती है। डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल, क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू मैं यहां पे पुट करता हूं। इसको मैं अगर इक्वेशन वन नाम दूं, इसको इक्वेशन टू नाम दूं, इसको इक्वेशन थ्री नाम दूं, इन वैल्यूज को मैं पुट करना स्टार्ट करता हूं। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, अरे भूल गए क्या, ई सेल की जब मैं बात करता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल डिसाइड करने के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दूं, नॉट लगा दूं, तब क्या होगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर क्या करना है, यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं, माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। इसको जरा लिख दूं क्या यार मैं, हाँ पूरा लिख देता हूं, पर पूरा लिखूंगा तो बार बार लिखना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसे ऐसा करता हूं, मुझे यहां से NF गायब करवाना है, NF यहां से गायब करना करवाना है, तो मैं ऐसा करता हूं माइनस NF से डिवाइड कर देता हूं, बाई डिवाइडिंग बाई इक्वेशन जो है मेरी, इसको क्या नाम देंगे, चौथी इक्वेशन है, बाई डिवाइडिंग माइनस NF, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये डिवाइड करा तो ई सेल बच गया, अरे माइनस एनएफ से अगर मैं डिवाइड करूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा, एनएफ से एनएफ कैंसिल आउट, ई सेल बच गया। बराबर यहाँ पर क्या होगा, माइनस एनएफ से माइनस एनएफ कैंसिल आउट, क्या बचा, ई नॉट सेल। अब देखो, जब मैंने यार देखा कि मुझे एनएफ को जब गायब करवाना है, माइनस एनएफ को गायब करवाना है, मैंने माइनस एनएफ के साथ में डिवाइड कर दिया, लेकिन यार मेरे से एक गलती हो गई, इसको मैं भूल गया। कभी कभार होता है ना कि जब अपन मतलब कोई मेन फोकस होता है, जैसे हमारी अट्रैक्शन कुछ ना कुछ क्रश होती है, तो अपन फोकस बिल्कुल क्रश पे करते हैं, तो हमारी जो क्रश है वो ये है, लेकिन मुझे क्या पता क्रश के साइड में भी एक उससे भी अच्छी थी, तो होती गलती, तो हमसे भी ही गलती हो गई, लेकिन ये जो गलती है हमको एक नई चीज देगी, हमको एक फ्यूचर बना के देगी, देखो जरा, हमको नेक्स्ट इक्वेशन बना के देगी, देखो जरा क्या होता है। कभी कभार लाइफ में गलती कर देनी चाहिए, हो सकता है वो गलती आगे जाके काम आए। एल एन क्यू, ये चीज हो गई, ठीक है। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, तो ये चीज अपने पास, अब एल एन क्यू है, इसको मैं खोल के लिख सकता हूं क्या, अरे सर खोलने बोलने की बातें मत करो यार, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, टीचर हो या सोवा देता है, अरे नहीं वैसे खोलने की बात नहीं कर रहा मैं, मैं यार इक्वेशन खोलने की बात कर रहा हूं, समझते नहीं हो। ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग इक्विलिब्रियम लॉग क्यू, ये क्या है, क्यू क्या है, यहां पर रिएक्शन कोसेंट है, रिएक्शन कोसेंट है। अब मुझे ये बताओ यार, क्या मैंने जो नीचे चीज लिखी है वो सही है, मतलब जो एल एन क्यू है वो किसके बराबर होगा, भूल गए क्या, 2.303 log q के बराबर होगा, ये चीज है। तो ये चीज मैंने यहां पे लिख दी है, अभी तक आपको समझ में आया होगा, तो ये एक अपने पास फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, बस एक चीज मुझे पुट करनी है, क्या चीज पुट करनी है, मुझे ये चीज यहां पर पुट करनी है, क्यू की वैल्यू पुट करनी है, क्या है क्यू, क्या है, समझ गए, रिएक्शन कोसेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये मैंने पुट करी, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, ये चीज, ठीक है। अब क्या करना है, n क्या है वो लिख लेते, n क्या है, n
सॉरी एन क्या है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट नंबर है, ट्रांसपोर्ट नंबर है। मतलब अगर मैं बात करता हूं अपने पास में रिएक्शन थी ZnCO वाली, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे कहीं ना कहीं, तो जितने इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर भाई साहब डांस करते हुए घूम रहे हैं उनकी नंबर कितनी है, तो दो है। ठीक है, तो बात करी जाती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन भागते हुए दिखते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन आपको सेल के अंदर दिखते हैं, उनको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट नंबर। अब F क्या है, F यहां पर फेराडे है। ठीक है, फेराडे की वैल्यू आपको पता है, अगर 1 फेराडे की वैल्यू बात करें कितनी वैल्यू होती है, 96500 कूलम। कैसे आती है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज एक्चुअली नोन एज द 1 फेराडे। याद है या नहीं है, कैलकुलेट करके बताया हुआ होगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के अंदर, या फिर वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मैं आपको बताऊं, वैसे हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, बस एक फैक्ट की तरह याद रख लो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अवोगाड्रोस नंबर के साथ में, ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो मेरी क्या है, दिस इक्वेशन इज नोन एज दी नष्ट इक्वेशन। ये मेरी है नष्ट इक्वेशन, इसको कहा जाता है नष्ट इक्वेशन। अब नष्ट इक्वेशन को पे अप्लाई करता हूं मैंने ZnCO वाला जो केस है, ZnCO वाला जो केस है वो मैं इस पे अप्लाई करता हूं, देखते हैं क्या होता है यहां पर, क्या होता है। कुछ नहीं होगा, डरने की बात नहीं है, यहाँ पर कोई सांप बाप नहीं निकलने वाला है। क्या रिएक्शन हुई थी यहाँ पर, जो रिएक्शन है चलो एक दो बार लिखेंगे, याद भी होगा अपनी जो रिएक्शन थी, Zn+Cu2+ कन्वर्ट हुआ था Zn2+Cu के अंदर। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, ये मेरा रिएक्टेंट हो गया। तो अगर मैं इसके लिए क्यों लिखने की बात करता हूं, तो लिख सकते हो क्या, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ कंसंट्रेशन ऑफ Cu/ कंसंट्रेशन ऑफ Zn कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। ठीक है, अब देखो जरा नष्ट इक्वेशन क्या है, E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस, अपन क्या लिखा है, 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर, इसकी पावर सी हो गई, इसकी पावर डी हो गई, इसकी पावर ए की पावर ए हो गई, ए की पावर यहाँ बी की पावर बी हो गई। अब देखो जरा अगर मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, तो पूरी की जो क्यू की वैल्यू उसको यहाँ पर पुट कर दे, इसको हटाओ और यहाँ पर चीज़ों को पुट करो, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ कंसंट्रेशन ऑफ Cu कंसंट्रेशन ऑफ Zn कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। अब देखो जरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर मुझे एक चीज और बतानी है, इसको मैं सॉर्ट करके और लिखूंगा। जरा यहां पर देखो, अगर जब मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो उसके अंदर क्या होता है, आपको पता है Zn की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होती है, कॉपर की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, तो अगर मैं यहां पर क्या लिखूं, 1 मोलर, यहां पर 1 मोलर लिखूं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, मेरे पास में जो इक्वेशन निकल के आएगी, जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, यहां पर E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। ये चीज हमारे पास में निकल के आ जाती है, ये चीज मेरे पास में निकल के आ जाती है, ये चीज अपन के पास में निकल के आ जाती है। अब चीज जो एक चीज अपन को समझनी है, दैट इज कि देखो हमारे पास में R है, ठीक है, हमारे पास में T है, अपन T की बात कर रहे हैं, T भी कहीं ना कहीं इसके अंदर फिक्स रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन है कहीं ना कहीं, इसके अंदर फेराडे की वैल्यू मैंने पुट करी, तो R की मैंने वैल्यू पुट करी, R की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, T की वैल्यू पता है, R की वैल्यू गैस कॉन्स्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, अगर लीटर एटमोस्फेयर की बात करते हैं 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर मोल की बात हो जाती है। तो यहां पर जब मैं वैल्यूज को पुट करता हूं, तो E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन N लॉग, क्यों लिख सकते हो, या फिर पूरी की पूरी ये कहानी है उसको रिपीट कर दो, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, इस तरीके से चीज हो जाती है। मतलब मैं अगर फाइनल बात करूं नष्ट इक्वेशन की, फाइनली अपने पास में जो नष्ट इक्वेशन आती है, दैट इज E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन N लॉग K
इक्विलिब्रियम या फिर लॉग क्यू, ये चीज अपने पास में फाइनली निकल के आ जाती है। किसके बारे में हम बात करते हैं अपने पास में, नेक्स्ट इक्वेशन की। यहां पर क्या बोला मैंने, यहां पर E cell बराबर E not cell minus 0.0591 upon N log Q, या फिर Q को अगर मैं लिखता हूँ C की पावर C concentration D की पावर D upon A की पावर A concentration B की पावर B, ये चीज यहाँ पर निकल के आती है। हाँ मैंने यहाँ पर जीरो लिखा है वो सही है, ठीक है। क्या होगा, E cell बराबर E not cell, बोलो मेरे साथ में, E cell बराबर E not cell minus 0.0591 upon N log Q। यहाँ पर n क्या है, n इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट नंबर, n क्या है ट्रांसपोर्ट नंबर है, क्या है ट्रांसपोर्ट नंबर है। तो ये चीज हमको क्लियर होनी चाहिए, आसान है चीजें, आई थिंक अपन को समझ में आ गई। अब इसमें जो क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उनको हम करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। तो जैसा मैं हर लेक्चर के लास्ट में आप सभी से कहता हूं कि पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।